हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूर। आप देख रहे हैं असम टेक एंड ब्लॉग। असम टेक एंड ब्लॉग में आपका फिर से एक बार वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है वो आपको तो पता चल ही गया थंबनेल और टाइटल से ही। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि हम किसी को बुलाते हैं या फिर वो खुद ही आता है हमें ढूंढता हुआ। हमारा एड्रेस जो उसका पता नहीं रहता है, लेकिन फ़ोन करके पूछते रहता है हमें कहाँ जाना है, कौन सा रोड पर जाना है, गाँव का नाम क्या है। ऐसे में हमें बहुत परेशानी होता है और जो आता है उसको भी बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। वो बहुत मुसीबत में फंस जाता है, इधर उधर भटकते रहता है, ऐसे में बहुत दिक्कत आता है। तो फ्रेंड्स, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज निकल गया है, मुझे पता चल गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, अपना जो आपका जो घर है या फिर कोई दुकान, कोई रेस्टोरेंट, कुछ भी हो, आप उसको गूगल मैप पे डाल सकते हैं, उसका फोटो डाल सकते हैं, उसका नाम डाल सकते हैं, उसका एड्रेस क्या है, सब कुछ डाल सकते हैं। और कोई भी आदमी आसानी से उस नाम से सर्च करेगा तो गूगल मैप जो है वो अपने आप उस आदमी को आपका घर तक पहुंचा देगा। या फिर दुकान का आप जहीं का भी एड्रेस डालेंगे आसानी से डाल सकते हैं, फ़ोटो भी डाल सकते हैं, चाहे तो आपका भी फ़ोटो डाल सकते हैं वहां पे, सब कुछ ए टू जेड डाल सकते हैं। ऐसे में जो है कोई आने वाला भी बहुत आसानी से पहुंच जाएगा और हमें भी परेशान नहीं होगा, फ़ोन कर करके पूछेगा नहीं कुछ नहीं, बिना फ़ोन के ही पहुँच सकता है यहाँ पर हमारा जहाँ घर है, जिस एड्रेस से हम खोल डालेंगे, ऐड करेंगे उस एड्रेस, सिर्फ वो उसको बता देना है, फिर वो अपने आप ही पहुंच जाएगा आपका घर तक। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं गूगल मैप पे अपना घर का एड्रेस, नाम डालने के लिए, फोटो डालने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो घर है उसको ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल मैप पर। तो मैं चलता हूँ गूगल मैप पर, ये रहा मेरा गूगल मैप, इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही गूगल मैप ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड में ऊपर कोने में थ्री लाइन दिख रहा होगा, तीन लाइन है, उसको क्लिक करना है। फिर आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो गूगल अकाउंट है वो भी दिख जाएगा और कुछ इस तरह का बहुत तरह तरह का सेटिंग आएगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे बता रहा है ऐड ए मिसिंग प्लेस, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर दिया हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी जो आपका नाम है आपका घर के पास का, वो वाला नाम डालना है। ये नहीं कि आप अपना ही घर का नाम डाल दें, ऐसे में तो बहुत सारे लोग डाल देंगे और गूगल जो है बहुत ही जल्दी भर जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपके घर का आसपास का जो कोई मंदिर, मस्जिद या फिर कोई चौराहा कुछ भी हो वहाँ का नाम डालना है और फोटो जो हो वो अपने घर का डालना है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा से टाइप करना होगा, लिखना होगा हमें बहुत ही होशियारी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेरे घर के पास एक मंदिर है, छोटा सा ही शिव मंदिर है, तो मैं शिव मंदिर लिख देता हूँ। तो मैं ये शिव मंदिर लिख दिया हूँ। यहाँ पे फ्रेंड, अभी आपको अपना नाम या फिर आपका घर का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो, मस्जिद, मंदिर, कुछ किसी का भी नाम डाल के लिख सकते हैं। उसके बाद में अपना नाम हो कुछ भी लिख सकते हैं। मैं शिव मंदिर, यहाँ पे मेरा नाम लिख दूंगा अब, शिव मंदिर नूर। तो फ्रेंड्स, इसको कर देना है ओके। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक देख सकते हैं कि स्ट्रेट एड्रेस का ऑप्शन है, इस पर आपको डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ही एड्रेस डालना पड़ेगा जैसे कि जहाँ पे अभी आप है। ये नहीं कि आप एक स्टेट पे है और आप एड्रेस डालेंगे दूसरा एड्रेस का और स्टेट का, ऐसे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। असम सोनितपुर इस तरह का डाल देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो रेड कलर का ड्रॉप है वो आ गया है, यहाँ पे सेट हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है, मतलब आप इसे ये एड्रेस किसके तरफ से दे रहे हैं, मतलब किसके लिए आपका क्या क्या है, यहाँ पे घर है, होम है और शॉप वगैरह, कोई रेस्टोरेंट वगैरह क्या है, तो हम चूज कर लेते हैं सिंपली। तो मेरा होम है तो मैं यहाँ होम चूज कर लेता हूँ। होम के बाद में भी आपको एक और एक दूसरा चीज़ जो है वो चूज करने के लिए देता है। होम के साथ में आपका क्या था पहले वहाँ पे वो आपको चूज करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे होम ऑडियो शॉप क्लिक कर दिया हूँ। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, यूरो टाइप का ऑप्शन आया है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर और भी आपको सेलेक्ट करने के लिए बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है,
आप बहुत सारा ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, वेबसाइट वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह सेलेक्ट, डे एंड हाउस सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं फ़ोन नंबर भी अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर मैं अपना नहीं दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोटो ऐड करने का ऑप्शन है, तो मैं अपना एक फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। कौन सा फ़ोटो ऐड करूँ? तो फ्रेंड्स मैं कोई एक फ़ोटो ढूँढ लेता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स मैं ये वाला फ़ोटो जो है ऐड कर रहा हूँ। फ़ोटो पे क्लिक करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है ऊपर। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट साइड में ऊपर जो हीरो का ऑप्शन दिख रहा है, हीरो का लोगो, उस पर मार देना है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सेंडिंग हो रहा है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डन कर देना है इस तरह से। फिर फ्रेंड्स हमारा जो अभी हमने एड्रेस डाला था, फ़ोटो डाला था, वो ऐड होने वाला है। तो उसको हम कैसे चेक करें? ऐड करने के लिए सिंपली आप वहाँ पे जहाँ पे पहले 3 लाइन पे क्लिक किए थे वहीं पे क्लिक करना है, 3 लाइन पे। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, योर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा इसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक एडिट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे करना है। और फिर देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये वाला एड्रेस डाला था पहले, शिव मंदिर। यहाँ पे मैं हालांकि मंदिर नहीं लिखा था, एक स्पेलिंग नहीं लिखा था ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। वो हमारा जो अभी हमने जो एड्रेस डाला था वो अभी तक ऐड नहीं हुआ है। ऐड हो जाएगा तो अप्रूव्ड इस तरह का दिखाएगा, अप्रूव्ड दिखाएगा। और अगर नहीं होता है, फाइलेट हो जाता है, ऐड नहीं होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं गबरू नदी नूर ये भी ऐड करने के लिए कोशिश कर रहा था पर ये नहीं हुआ, नॉट अप्लाइड हो गया है। ऐसा हो जाएगा अगर ऐड नहीं होता है। तो अगर ऐड हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रोड दिखा देता है, अप्रोड प्लो प्लेस एडेट ऐसा दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ऐड हो गया है। तो फ्रेंड्स आप हम आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि मैंने ऐड किया था, ये देखिए शिव मदिर नूर। तो इसको मैं मैप सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं शिव मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मेरा नाम आ गया है जो मैं अपने नाम से डाला था, और मेरा अपना फ़ोटो भी डाला था। तो इससे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो देख सकते हैं फ़ोटो है, ये रहा मेरा फ़ोटो डाला था, और मोबाइल नंबर भी मैं अपना डाल दिया था, ये देखिए मोबाइल नंबर है, और भी फ़ोटो डाला था, ये रहा। इसी तरह फ्रेंड्स आप कर सकते हैं ऐड अपना घर को, या फिर अपना रेस्टोरेंट को, या फिर अपना कोई शॉप को गूगल मैप पे ऐड कर सकते हैं। और आपको आप आसानी से किसी को भी दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कि उस नाम पे सर्च करना, मेरा दुकान या घर दिख जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आपको 3D मैप से, तो आपको 3D मैप से आप पूरा ही दिखा सकते हैं, अपना घर जो वही दिखा सकते हैं। जैसे कि हम अभी जाते हैं यहाँ पे गूगल अर्थ पे क्लिक करना है, 3D में देखना है, तो अगर आपको 3D में देख सकते हैं अपना घर आपको दिख जाएगा, गांव भी आपको दिख जाएगा। 3D यहाँ पे गूगल अर्थ पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे शायद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन पे खुद ही चला जाएगा प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पहले कर रखा हूँ, आप चाहे तो कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत सारा फोटोज़ दिख रहा है, इसके लिए थोड़ा नेट फास्ट होना चाहिए, लेकिन मेरा नेट बहुत ही स्लो है। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो मैं कल ऐड किया था शिव मदिर नूर, यहाँ पे देखिए आप वो वाला नाम आ गया, ये देखिए रेड कलर का डॉट है, इसका नीचे मेरा नाम है, और जो मैंने मंदिर का नाम लिखा था वो मंदिर का नाम भी आ गया है, शिव मंदिर। आप ये देख सकते हैं ये मेरा गाँव का रोड है, और ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये सब घर है पूरा। इसी तरह आप अपना घर जो दिखा सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है इमेज क्लियर होने के लिए, और नेट भी थोड़ा फास्ट चाहिए, तो मेरा नेट भी बहुत स्लो है, इसी के वजह से जो है क्लियर दिख नहीं रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं अगर आपका नेट फास्ट हो, और यहाँ पे आके आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा तब वो इमेज जो है क्लियर होगा, आप क्लियर ही देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना न्यू वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, एंजॉय योर